हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अगर आप अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इस वीडियो में आप सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली सारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना जीमेल का पासवर्ड, अगर आपको शक है कि अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक हो गया है या फिर आप कहीं यूज़ किए हैं तो किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया है, तो किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। तो ये रहा हमारा जीमेल एप्लीकेशन, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे 3 जो डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें, जहाँ पे मैं सर्कल घुमा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने अकाउंट से लॉगिन किए रहेंगे यहाँ पे दिखाई देगा। तो जिस भी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड आप चेंज करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। तो मैंने उसके ऊपर सेटिंग कर लिया है। अब आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग करके, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने जितने अकाउंट से लॉगिन किए रहेंगे जीमेल एप्लीकेशन में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है आपको उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए, मुझे सेकंड वाले को चेंज करना है पासवर्ड, तो सेकंड वाले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे सेकंड वाले के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे इस जीमेल का पूरा मैनेजिंग सिस्टम खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैनेज योर गूगल अकाउंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, इस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज होगा जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे की ओर एक बटन दिखाई देता है, जहाँ पे मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, ये देखिए मेन्यू का। तो यहाँ पे मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जहाँ पे मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, इस सिक्योरिटी वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी वाले बटन के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड का बटन है, यहाँ पे आपको पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। पासवर्ड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए ये वेरीफाई करेगा और आपसे बोलेगा कि आपको जो पासवर्ड याद है यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, जो भी पासवर्ड पहले का है। तो एंटर योर पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए, ये आपको एक बार वेरीफाई करेगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपको मिल गया है। और नीचे में आपको पासवर्ड एक बार फिर से, जो आपने ऊपर में न्यू पासवर्ड बनाया है उसी को आपको एक बार यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया है। अब यहाँ पे चेंज पासवर्ड का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक करके चूज योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है आपको। तो ये मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड दोनों में मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड का जो बटन है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे योर पासवर्ड वाज चेंज, नीचे हो चुका है हमारा पासवर्ड अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।